चलो सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ना फिर आपस खुद से है ना सॉल्व करना, और फिर मैं बाद में तो मैं सॉल्व करता हूँ। ओके चलो पहला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ डेल टी वी बाई के बी ऑफ 10 ग्राम ए बी टू एंड सॉल्वेंट इन दियर रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन इज 1 mol kg। ओके बोथ केसेस ठीक है, हेंस एटॉमिक वेट ऑफ ए और बी का एटॉमिक वेट क्या होगा बताओ। डेल टी बी इक्वल टू के, और बोला गया कि बोथ आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होगा, दोनों का आई कितना होगा, घंटा फैक्टर 1। तो सिंपल सी बात है, कैसे करोगे कि डेल टी बी बाई के बी इक्वल टू एम, मोलैलिटी होती है, मतलब आपको बोला गया है कि रेशियो ऑफ डेल टी बी बाई के बी ऑफ पर सॉल्वेंट द रेस्पेक्टिव सॉल्यूशंस इज 1 mol kg इन बोथ केसेस, है ना। तो अब निकालो, आपके पास ए और बी का निकालना है, ठीक है। सोचो एक बार कैसे करना है। तो देखो जैसे ए बी टू की मैं बात करता हूँ, ए बी टू की बात करते हैं तो ए बी टू की मोलरिटी सब है ना, इसकी मोलर सबकी 1 दी हुई है। तो अगर ए बी टू की बात करते हैं 4 ए बी टू, ओके ए बी टू की मैं बात करूँ, मोलरिटी क्या होती है, मोल्स मतलब आपके पास हो गया वेट, वेट कितना हो गया ए बी टू का 10, वेट बाय मोलर मास ऑफ ए बी टू। ओके 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है ना, मोलिलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल, और क्या दिया हुआ है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है ना, मोलिलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपके पास हो गया 1000 बाई 100 और इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और तो ये आपके पास कितना हो गया, तो 1 बाई 100, मतलब आपके पास ये क्या हो गया एम ए बी टू कितना हो गया, यहाँ से एम ए बी टू आपके पास हो गया 100। ओके अब बात करते हैं ए टू बी, ए टू बी की जब मैं बात करता हूँ, ए टू बी की जब बात करेंगे तो यहाँ पे मोलिलिटी कितना आ गया 14 ग्राम है, एम ऑफ ए टू बी इंटू 1000 बाई 100 इक्वल टू 1, और ये हो गया, और एम ए टू बी कितना आ रहा है, एम ए टू बी आपके पास आ रहा है 140। ओके एम ए टू बी इतना आ रहा है, एम ए बी टू इतना आ रहा है, तो यहाँ से क्या निकालोगे, एम ए प्लस 2 mb इक्वल टू 100, और दूसरी इक्वेशन क्या है 2 ma प्लस mb इक्वल टू 140। ओके ये 1 है और ये 2 है, देखो वैल्यू निकालो कितना आएगा। तो सिंपली क्या करना है, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और नीचे से वाले से सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 से मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना आ जाएगा 3 mb इक्वल टू 200, तो 60, और एम बी इक्वल टू 20। ओके एम बी इक्वल टू 20 है तो 40, तो एम इक्वल टू कितना आ गया 60। ओके तो आंसर क्या होगा बी, है ना ठीक है। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कि कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ के आई, है ना मोलिलिटी ऑफ के आई इफ डेंसिटी इज ऑफ 20% वेट बाई वेट एक्वस के आई, इतनी दी हुई है ना, 20% वेट बाई वेट दी हुई है, तो आपको डेंसिटी डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ आपके पास 1.202 ग्राम ml। ओके माइनस, और ये कितना दिया हुआ है 20% वेट बाई वेट दिया हुआ एक्वस सॉल्यूशन है ना। रिपोर्ट योर फाइनल आंसर बाय राउंडिंग मोलिटी करेक्ट अप टू 1 decimal place एंड देन मल्टीप्लाई बाई इट बाई 10 से मल्टीप्लाई करना है। ओके आपको निकालने क्या है, मोलिलिटी निकालनी है। 20% वेट बाय वेट का मतलब क्या हो गया, 20 ग्राम ऑफ के आई इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ गया है ना। देखो आप अब निकालो यहां से, ठीक है।
है ना, आयोडीन कितना होता है 127 और पोटेशियम 39, है ना, ये ध्यान रखना एक बार, है ना। आयोडीन इक्वल टू 127 और पोटेशियम इक्वल टू 39। तो 20 ग्राम ऑफ के आई इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ रहा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना आ गया, 100 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 80 ग्राम। ओके 80 ग्राम आ गया, 80 ग्राम जब आ गया इसका वेट, है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो आपको सिंपल से यहां से क्या निकालना है, मोलरिटी निकालनी है। इसका मोलर मास कितना हो गया, इसका मोलर मास हो गया आपके पास 127 प्लस 39, मतलब ये कितना हो गया 40, और ऐड करो तो इसमें तो 37, 47, 57, 61, तो 166। ओके तो मोलरिटी का वैल्यू निकालोगे, मोलरिटी आपके पास क्या, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, वेट कितना होगा 20 बाय 166 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना 80 ग्राम, है ना, तो जन भाई 80। तो आंसर ये कितना वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा अराउंड 1.5 के समथिंग, है ना, तो है ना, और आंसर फिर 10 से मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू आएगी 15, है ना। ओके ये कर लोगे, ये गया 4 से ये गया और 250 ये गया, है ना, तो 1.5 समथिंग आएगा। ओके 1.5 समथिंग, ठीक क्लियर। तो आंसर ना मल्टीप्लाई बाय 10 करना, तो 15.06 करके कुछ आएगा, तो देखो 15 आंसर आएगा। हाँ ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इतना मोलर एक्वस, है ना, एसिटिक एसिड इज इतना दिया हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, यूरिया सोल्यूशन फ्रीज इट और मोलर एक्वस सोल्यूशन यूरिया इतने पे फ्रीज करता है। ओके अज्यूमिंग मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी, कैलकुलेट पीएच ऑफ एसिटिक एसिड, इसका पीएच आपको निकालना है। तो जैसे कि आपको ना, जैसे कि आप पीएच कैसे निकालोगे, जैसे एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये डिसोसिएट होता है किसमें, एच प्लस प्लस सी डबल बॉन्ड ओ माइनस में, एच प्लस प्लस सी डबल बॉन्ड ओ माइनस में डिसोसिएट होता है। जैसे मैं बोल देता हूँ इसका कि सी माइनस सी अल्फा, और ये कितना हो गया सी अल्फा, और ये कितना हो गया सी अल्फा, तो आई का वैल्यू कितना आ गया, आई का वैल्यू आ गया सी इंटू वन प्लस अल्फा। ओके आई का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। और आपको ना एक और डेटा दिया होगा कि डेल टी एफ, डेल टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, तो यहां से आई का वैल्यू कितना आ गया, डेल टी एफ बाई के एफ इंटू एम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इतने मोलर सॉल्यूशन ऑफ इतना दिया हुआ है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है 0.02046 डिवाइडेड बाई के एफ, है ना, के एफ नहीं दिया हुआ, अच्छा के एफ इधर से निकाल लेंगे, वाटर का के एफ इधर से निकाल लेंगे आप, तो के एफ, है ना, इंटू मोलरिटी कितनी दी हुई है 0.01। ओके और यहां पे बोला गया है और मोलर एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजेज एट इतना, तो डेल टी एफ इक्वल टू आई, आई इसका कितना होता है वन होता है, इंटू के एफ इंटू एम, तो यहां से आपके पास जो के एफ का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1.86, है ना, यूरिया से जो आ रहा है, तो यहां पे के एफ का वैल्यू कितना जाएगा 0.02046 डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू 1.86, है ना। तो यहां से आई का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो इसको, आई का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो आपको यहां से कंसंट्रेशन, तो पता आपको कंसंट्रेशन बोला गया ना यहां पे कि अज्यूम मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी, तो सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू आपके पास 0.01, तो आपके पास यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा, अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा तो आपके पास क्या निकल जाएगा सी अल्फा, तो आपके पास पीएच क्या होगा, पीएच आपके पास होगा माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, और ये क्या होता है माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा, सी आपके पास कितना दिया हुआ, सी का वैल्यू आपके पास 0.01, अल्फा निकालो यहां से कैलकुलेट करो, है ना, तो इक्वल टू दिस, तो सी का वैल्यू कितना आ गया, यहां से आप निकालोगे तो जल्दी करो बच्चों इंटू वन प्लस अल्फा। ओके क्लियर है, अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करो और पीएच का आंसर निकालो एक बार,
ना जल्दी से मुझे पहले तो अल्फा का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। बच्चों देखो देखो सी अल्फा का वैल्यू बता कितना आएगा, 10^-3 आएगा सी अल्फा का वैल्यू। ओके 10^-3, तो यहां से पीएच का वैल्यू कितना आएगा, pH=3 है ना, pH=3 आएगा। ठीक है बच्चों, ओके कितना आया बच्चों, ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये वैल्यू आपके पास आ रहा होगा 1.1 आ रहा होगा। अच्छा तो अच्छा इसको है ना आई, इसको लेके नहीं चलते आई है ना, आप एक बार इसको सी को हटा दो ना, यहाँ से सी को हटा दोगे ना आप तो सही आंसर सही आएगा आपका आंसर है ना, कि यहाँ से सी को हटा दो ना इसको, इसके 1 मोल लेके चलो, जैसे कि इसका 1 - α, तो और यहाँ से भी आप सी हटा दो, यहाँ से भी सी हट जाएगा तो सही आ जाएगा आंसर आपका। ओके तो अब आ रहा है सही, देखो इसका अच्छा 1 मोल लेके चले तो 1+, तो ये सी भी हटा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से सी का वैल्यू इतना आ रहा है, तो ये 1.1 आ जाएगा, तो सी अल्फा का वैल्यू कितना, ये 1.1 तो 0.1, तो सी अल्फा 10^-3, ठीक है, तो निकाल लो यहाँ से। ओके अब आ रहा है आंसर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे कि अमाउंट ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का अमाउंट दिया हुआ, मॉलिक्यूलर वेट इतना दिया हुआ, दैट शुड बी डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए सॉल्यूशन विद डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में इतना डिफरेंस, ओके भी इतना दिया हुआ है ना, करो एक बार सोचो इसको है ना, देखो सॉल्यूशन का डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट है ना और बॉइलिंग पॉइंट, मतलब आपके पास दिया हुआ है, तो एक एक वैल्यू होती है डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, और डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, और कितना दिया हुआ है डेल टी एफ माइनस डेल टी बी का डिफरेंस कितना दिया हुआ है इसने, इतना है ना 105 डिग्री, समझ में आ गया। अब आपको हिंट लगी गया वो कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, मतलब यहाँ से आपके पास आ गया आपके पास, तो मगर मैं यहाँ से बात करूँ के एफ माइनस के बी इक्वल टू एम इक्वल टू कितना आ गया 105, ये आ गया। के एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, के एफ का वैल्यू आपको दिया हुआ है, देखो यूनिट से ही देख लेना ना, तो 1.86 - 0.51 इंटू मोलिटी क्या हो गई आपके पास, द अमाउंट ऑफ सुक्रोज है ना इतना दिया हुआ है, तो वेट उसका लिख देते हैं, वेट बाय मोलर मास कितना हो गया 342, और शुड बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये कितना हो गया 1000/100 इक्वल टू 105। चलो वेट निकालो, बस यही निकालना है, सिंपल सा कैलकुलेशन है बस। ओके देखो आंसर कितना आता है, ये 10 ना, सॉरी ये आपको जो डेटा दिया हुआ था ना, ये डेल टी बी इंटू ये नहीं दिया हुआ, ये आपके पास टी एफ माइनस
टीबी, तो आपको डेल टीबी ये निकालना है अभी आपको। देखो ये डेटा नहीं दिया एक्चुअली, टीएफ माइनस टीबी दिया हुआ ना, और डेल टीएफ क्या होता था? ये तो प्योर का होता था और ये इसका होता था। तो आपके पास सुक्रोज, तो प्योर का कितना होगा? प्योर का आपके पास होगा, ये आपके पास वैल्यू दिया हुआ था ना कि डेल टी एस आपके पास आएगा, टी बी एस आपके पास आएगा डेल टी बी, ओके डेल टी बी प्लस 100 है ना, डेल टी बी प्लस 100, और ये आपके पास कितना आएगा टी एस, तो जी तो 0 होता था, तो ये माइनस डेल टी एफ। करो एक बार देखो, ठीक है बच्चों? तो यहां पे जो ये डेटा सारा दिया हुआ होगा ना, एक बार इसको चलो है ना, तो यहां पे क्या दिया हुआ था कि डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, और डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, ओके। आपको जो डेटा जो दिया हुआ है यहां से डेल टी एफ क्या होगा, यहां से आपके पास डेल टी एफ जो होगा वो क्या आएगा, डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट, तो ये क्या होता है डेल टी नॉट एफ माइनस है ना ये जी, और ये कितना होगा डेल टी एफ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू के एफ माइनस एम, ये तो कितना होगा 0, तो टी एफ ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया के एफ इंटू एम, और यहां से क्या होता था डेल टी बी क्या होता था आपके पास टी बी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टी बी नॉट है ना, ये आता था आपके पास, ओके तो यहां से आपके पास टी बी ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है, दैट इज टी बी नॉट प्लस के बी इंटू एम, ओके डेल टी एस इक्वल टी बी नॉट प्लस के इंटू एम है ना। तो यहां से आपको जो डेटा जो दिया हुआ है ये यही दिया हुआ है आपके पास कि टी बी नॉट प्लस के बी एम माइनस माइनस टाइम माइनस माइनस के एफ इंटू एम का वैल्यू जो दिया हुआ वो दिया हुआ 105, तो ये वैल्यू कितना हो गया टी बी कितना होता है 100, और 100 हुआ प्लस के बी प्लस के एफ इंटू एम इक्वल टू 105, और ये कितना हो गया के बी प्लस के एफ और इक्वल टू एम इक्वल टू 5 है ना। और मोलिलिटी कितनी दी हुई है, मोलिलिटी यहां से निकालोगे मोलिलिटी आपको, तो आपके पास आएगी 5 बाई के बी प्लस के एफ इक्वल टू, मोलिलिटी कितनी दी हुई है आपके पास W बाई 342 इंटू 1000 बाई सॉल्वेंट का वेट कितना दिया हुआ है 100, तो यहां से बच्चों वेट निकालो, समझ में आ गया क्लियर है? ओके देखो ना, यहां से निकालोगे पर कैलकुलेशन कंप्लीट करना ना, 72.2 कुछ आंसर आएगा, ओके है ना, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करो, ओके ठीक। हाँ ये क्वेश्चन है बच्चों, इसमें बोला गया यूरिया नीड्स टू बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर है ना, यूरिया है उसको 100 ग्राम ऑफ हम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है ना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना 25% डिक्रीज हो जाए, मतलब आपका ना तो प्योर से कितना डिक्रीज, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ना 25% कम आना चाहिए, ओके व्हाट विल बी द मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, तो आपको पता है तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है ना, रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर आपको ये बोला गया है, और आपको बोला गया कि भाई कितना डिक्रीज हो, डिक्रीज बाय 25%, 25% डिक्रीज हो जाए तो ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, मतलब कितना आ जाना चाहिए 25%
ये 100 है तो ये 75 होगा, तो ये 25 मतलब आपके पास दिया हुआ है पी नोट माइनस पी एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.25 पी नोट, है ना 0.25 पी नोट, समझ में आ गया। क्योंकि पी एस का वैल्यू कितना है कि फाइनल सॉल्यूशन का प्रेशर कितना होना चाहिए 0.75 पी नोट होगा ना, समझ में आ गया। तो ये तो देखो यहां से तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा है, यहां से x ऑफ सॉल्यूट आपके पास आ गया कि 0.75, है ना 0.75 कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 0.75 मतलब 3/4, है ना 3/4। देखो मोलिटी निकालो, मोलिटी कैसे निकालोगे, n ऑफ सॉल्यूट प्लस n ऑफ सॉल्वेंट ओके इक्वल टू 3/4, तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस n ऑफ सॉल्वेंट बाय n ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 4/3, और 4/3 में से अगर 1 को आपने हटा लिया तो आपके पास n ऑफ सॉल्वेंट बाय n ऑफ सॉल्यूट ओके बच्चों, देखो 4/3 - 1 तो ये कितना आ रहा है बच्चों जल्दी बताओ 1/3, तो n ऑफ सॉल्वेंट बाय n ऑफ सॉल्यूट 1/3, और मैं बोलता हूँ n ऑफ सॉल्यूट और n ऑफ सॉल्वेंट कितना आ रहा है 1/3, है ना, और n ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है, n ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, सॉल्वेंट वाटर था तो इसको बाहर लिखो वेट, है ना वेट बाय मोलर मास, ऊपर मोलर मास चला जाएगा ओके, ऊपर मोलर मास चला जाएगा n ऑफ सॉल्यूट बाय वेट इनटू 18 इक्वल टू 3 ओके, तो ये आपके पास कितना आ गया 3/18 6, है ना 6, तो n ऑफ सॉल्यूट बाय वेट कितना हो गया 1/6, है ना। अब मोलालिटी करोगे इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये मोलालिटी हो जाएगी, तो मोलालिटी का वैल्यू कितना आएगा 1000/6, तो मतलब कितना 3/500, तो आंसर क्या आना चाहिए, ये आएगा आंसर, है ना ठीक है बच्चों। हाँ ये सवाल है, इसमें है कि ए 5.25% सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस इज आइसोटोनिक विद इतने परसेंट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, क्लियर है, इन सेम सॉल्वेंट वाटर है ना, जैसे वाटर मान लेना दोनों का, इफ द डेंसिटीज ऑफ बोथ सॉल्यूशन आर अज्यूम टू बी इक्वल टू 1, है ना डेंसिटी भी दोनों को सॉल्यूशन की अज्यूम की है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस विल बी, तो सब्सटेंस का मोलर मास क्या होगा, आइसोटोनिक प्रेशर क्या होता था पाई इक्वल टू सब्सटेंस इज आइसोटोनिक विद इतने परसेंट सॉल्यूशन, तो सीआरटी होता था ना आईसीआरटी, है ना, तो आई कितना है इसके लिए 1, ठीक है चलो करो एक बार इक्वेट करना ना दोनों का, आइसोटोनिक है ओके, अरे बच्चों देखो अब आपको दिया हुआ मतलब पाई वन इक्वल टू पाई टू दिया हुआ है ओके, आई दोनों का यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं, सॉलिड है आपके पास तो यूरिया का वन है वो सब्सटेंस मान सॉलिड है ना, तो पाई वन कितना होगा सी वन आर टी वन, टेम्परेचर सेम है तो आर टी से आर टी कैंसिल, सी वन इक्वल टू सी टू
ओके। और आपको दिया 5.25%, मतलब आपके पास 5.25 का आप कुछ भी यहाँ पे मान सकते हो कि 5.25% है वैसे मेंशन किया, मतलब आपके पास हो गया कि इसको अगर मानना है तो वेट बाय वॉल्यूम मान लो, वेट बाय वॉल्यूम मान लो ना, क्योंकि वो बेटर रहेगा, या तो पर्टिकुलर मेंशन करके रखता है या तो सॉल्यूशन का। तो और आपको दिया हुआ है या वेट बाय वेट अज्यूम करोगे कुछ मेंशन, अच्छा डेंसिटी भी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आर अज्यूम टू बी इतना, अच्छा वेट बाय वेट मान लेते हैं, तो वेट बाय वेट मान लेते तो भी डेंसिटी 1 ही दी हुई है तो बराबर ही आएगा। तो जैसे कि 5.25 ग्राम सोल्यूट किसमें यहाँ दिया हुआ है, इन 5.25 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी कितना आ रहा है, 100 ml आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से दी हुई है तो डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम पर ml। तो यहाँ से आपके पास पता चल गया कि भाई सॉल्यूट है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, आपके पास आएगा 100 ml। क्लियर है? तो C1 = C2, आपके पास 5.25 ग्राम दिया हुआ है, वेट बाय मोलर मास उसको मान लेते हैं, बाय 1000, 1000 बाय नीचे कितना दिया हुआ है 100। ओके, इक्वल टू ये आपके पास कितना दिया हुआ 1.5, और मोलर मास ऑफ यूरिया कितना दिया हुआ 60 × 1000 बाय 1000 बाय कितना मान लेते हैं 1000 बाय 100। ओके, ये भी तो वही दिया हुआ, बोथ सॉल्यूशन आर सेम, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। और अब यहाँ से करो एक बार, तो ये आ गया नीचे 10 40 40 × 5.25 = m, मतलब ये कितना आ गया 52.5 × 4 = m, और ये कितना है 2, कितना आ रहा है 210 है ये 1। क्लियर बच्चों? ठीक है, और बस कैलकुलेशन आसान आसान सवाल होते हैं। ओके, देखो एक बार ये है ना, वसील क्या है ना, पूरा सा क्वेश्चन सॉल्व करना आपको ना कंप्लीट। ओके चलो आगे, यहाँ पे कि सोल्युबिलिटी ऑफ N2 इन वाटर एट 300 केल्विन एंड 500 टोर पार्शियल प्रेशर, इतनी दी हुई है सोल्युबिलिटी आपको, इतनी दी हुई है। ओके, द सोल्युबिलिटी इन इन ग्राम पर एट 750 टोर पार्शियल प्रेशर कितनी होगी, तो सोल्युबिलिटी। ओके, देखो एक बार कैसे करोगे, अरे तो मतलब आपको सोल्युबिलिटी, अब सोल्युबिलिटी को किस में भी है ना, तो अब देखो यार 300 केल्विन पार्शियल प्रेशर इतना दिया हुआ है, तो सोल्युबिलिटी को मैं बोल देता हूँ, सोल्युबिलिटी इसकी है एस, एस सोल्युबिलिटी है और इतनी दी हुई है। ओके, ग्राम पर लीटर दी हुई है। अच्छा चलो करते हैं, चलो ना करो एक बार। करे तो इसमें यही था कि भाई हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या कहता है, हेनरी लॉ यही कहता था कि भाई सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन वाटर इन ए सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, और सोल्युबिलिटी क्या दे दिया आपके पास, हेनरी लॉ कांस्टेंट के एच इंटू पी, या इसको आप मोल फ्रैक्शन भी लिख सकते थे कि मोल फ्रैक्शन इक्वल टू के एच इंटू पी, वो कभी कभार आपको इस तरह को इसको इस तरह से भी लिख देते पी इक्वल टू के एच इंटू एक्स, है ना, ये कोई से भी, यह भी वैलिड है, ये भी वैलिड है अकॉर्डिंग टू यूनिट्स, तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि पार्शियल प्रेशर, तो मतलब यहाँ से आएगा S1 / S2 = P1 / P2। सोल्युबिलिटी कितनी दी हुई है, ये आपको दिया 0.01, और इसको मैं बोल देता हूँ S2, तो पार्शियल प्रेशर और 500 टोर, और आपको कितना दिया हुआ है 750 टोर, तो कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया S2, कितना हो गया 0.03/2। ओके, और ये कितना होगा 0.015। क्लियर है? आंसर विल बी डी, है ना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन होते थे, यूनिट्स कुछ भी कर सकते हो ना यहाँ पे। ओके, देखो बच्चों ये क्वेश्चन ना, इसमें बोला गया है कि 2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, है ना, कोई एक्वस सॉल्यूशन है 2 मोलल आपको दिया हुआ है, इज 75% आयनाइज, 75% आयनाइज हो गया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एट 1 एटमोस्फेयर इज, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 1 एटमोस्फेयर पे, है ना। ओके, देखो ना 75% आयनाइज हो गया है। ओके,
कैसे करोगे? डेल टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, ये फॉर्मूला लगाओगे। मेन रोल है इसका आई का। अब देखो यार, एक्स टू वाई थ्री है, ये क्या हो गया, टू एक्स प्लस प्लस थ्री, है ना, टू एक्स प्लस, या इसको बोल सकते हो एक्स प्लस थ्री, और थ्री कितना हो गया, सॉरी माइनस टू, है ना, ये तो मैं बोलते था इसको वन, इसका वन माइनस अल्फा, इसका टू अल्फा, और इसका कितना होगा, थ्री अल्फा। तो आई का वैल्यू कितना आ गया, आई का वैल्यू आ गया वन प्लस फोर अल्फा, और अल्फा कितना कितना आयनाइज हो गया, अल्फा 75%, है ना, 75%। अल्फा का वैल्यू कितना है, 0.75। तो अल्फा का वैल्यू आपके पास यहाँ से कितना आएगा, 0.75, 0.75 दैट इज इक्वल टू 3/4, और ये कितना हो गया, आई का वैल्यू कितना आ गया, 4। बस तो डेल टी बी यहां से निकालोगे, डेल टी बी, और ये कितना आएगा आपके पास, कितना निकालोगे, टी बी एस, है ना, माइनस टी बी नोट। वन टी बी नोट कितना होता था, 100 डिग्री सेल्सियस, ओके, और ये आई का वैल्यू कितना, 4, के बी का वैल्यू कितना आ गया, 0.52 इंटू मोलिटी 2 आ गया, तो 8 इंटू कितना है, बॉइलिंग, है ना, आपने पूछा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है ना, तो ये कितना हो गया, ये 8 इंटू 0.52 प्लस 100, ये आपके पास किस में आएगा, टी बी एस ऑफ सॉल्यूशन, किस में, मैं किसी में बात कर रहा हूँ, ये डिग्री सेल्सियस में आएगा ना, केल्विन में कन्वर्ट करना, आंसर केल्विन में आएगा, ओके, समझ में आ गया, आई का वैल्यू, है ना, देखो तो बेसिकली क्या होता है, जब आप बोर्ड पे क्वेश्चंस पढ़ लेते हो उसी इंस्टेंट पे आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो, है ना, फिर से खुद से सोल्व करने की कोशिश किया करो, वो बेटर होता है ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। कितना आ रहा आंसर, आंसर आएगा डी, है ना, डी विल बी द आंसर, ओके बच्चों, ठीक है, हाँ। ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि पीएच ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड, है ना, वीक मोनोप्रोटिक एसिड, इसका पीएच 2 दिया हुआ है। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस, आर का वैल्यू आपको दिखा लेना है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, तो समझ में आ गया होगा, मतलब आपको क्या करना है, तो पीएच ऑफ इतना सॉल्यूशन ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड एच ए, तो देखो एच ए क्या होगा, एच ए आपके पास होगा H प्लस, और ये क्या होगा, A माइनस, तो ये होगा C माइनस सी अल्फा, और C माइनस सी अल्फा हो गया, और ये हो गया आपके पास C अल्फा, और ये होगा C अल्फा, और C अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ आपके पास, 10 की पावर माइनस टू, यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, अल्फा का वैल्यू आपके पास आएगा यहाँ पे, C कितना दिया हुआ 1, तो 10 की पावर माइनस 3, अल्फा का वैल्यू 10 की पावर माइनस 3 आ गया, ओके, मतलब है ना, और यहां से आई का वैल्यू कितना, आई का वैल्यू कितना रखोगे, तो जैसे कि एच ए गिव्स एच प्लस, और ये क्या हो गया, ए माइनस, तो वन माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, तो आई का वैल्यू कितना रखोगे, 1 प्लस अल्फा, ओके, अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, अल्फा का वैल्यू आ रहा है 10 की पावर माइनस 3, तो आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो गया, है ना, 0.01 है, तो ये आपके पास 1 ही हो गया, ओके, मतलब ना के बराबर डिसोसिएट हुआ, तो I इक्वल टू सी आर टी, यहां से क्लियर पता चल गया, कितना रखोगे, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आएगा आपके पास, C कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 इंटू, R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.082, और टेम्परेचर कितना 300, ओके 300 दिया हुआ है, तो आपके पास कितना हो गया 0.82 इंटू 3, और ये कितना हो गया 6, और
2.46 अप्रोक्सीमेटली, 2.46 है ना, क्लियर है? इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो नेगलेक्ट ही है ना, 0.1% भी नहीं है, ओके? और हम अल्फा के वैल्यू कितना 7-8% तक नेगलेक्ट कर सकते हैं, 8% तक, क्लियर है? आंसर इज डी। कितना आ रहा अपने ये सी अल्फा, सी अल्फा एसिड इतना दिया हुआ 10^-2 और अल्फा का वैल्यू यहां से, तो ये कितना हो गया 1.001। इतना सिग्निफिकेंट थोड़ी ना आएगा, देखो एक बार। अच्छा अपने अच्छा अच्छा यहाँ पे गलती कर दिया ना, सी अल्फा, तो अल्फा तो ये 0.1 है, तो ये अच्छा ये 10^-1 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, है ना, ये गलती कर दी, क्योंकि 10% हो गया ना ये, अल्फा कितना होगा 10% है, और 10% को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, अप टू 8% तक नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ओके ओके, तो ये हो गया अपने पास 1.1, ठीक है ना, 1.1, और ये इसको 1.1 से भी मल्टीप्लाई कर दो ना, यहाँ पे आई का वैल्यू कितना आएगा 1.1 × 1.1, ठीक है, तब आंसर क्या आएगा, सही है ना, क्लियर? हाँ, ये क्वेश्चन ने यहाँ पे बोला गया इतना मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपको ये दिया हुआ है, ओके, फ्रीजेस एट इतना ओके दिया हुआ है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयन डज 3 moles ऑफ सोल्ट प्रोड्यूस ऑन बींग डिजोल्व इन वॉटर, इसके 3 moles आपको दिए हुए हैं, तो कितने वो आयन्स बनेंगे, ओके? ना ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दिया हुआ है, ये कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, आई का वैल्यू निकालो, है ना, यहां से मुझे आई का वैल्यू बताओ कि डेल टी एफ बाई के एफ इंटू एम, यहां से आई का वैल्यू बताओ, टी एफ कितना आ गया आपके पास, तो डेल टी एफ फ्रिजेज 0.00744, है ना, तो ये कितना होगा टी नोट 0° माइनस है, तो इसलिए डेल टी एफ इतना आ गया, के एफ आपको कितना दिया हुआ है 1.86 और 0.002, तो यहां से मुझे आई का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, बच्चों कैलकुलेट करो इसको एक बार, ओके जल्दी से बताओ, आसान से कैलकुलेशन बताओ जल्दी, कितना आ रहा है आई का वैल्यू, कितना आ रहा है आई का वैल्यू, कितना आएगा 2, ओके, हाँ तो आई का वैल्यू है ना बच्चों 2 निकाल दिया आपने, ठीक है। अब देखो जैसे कि कोई भी कंपाउंड हो गया, ये जैसे कि मैं बोल देता हूं कि ये जैसे कोई भी कंपाउंड ये है, अब मैं कहता हूं ये एन एन आइन्स इसके प्रोड्यूस करता है सपोज, है ना, ये कोई भी हो गया सपोज, तो ये कितना हो गया 1-अल्फा, ये हो गया एन अल्फा, ओके एन आइन्स से प्रोड्यूस करे, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1-अल्फा + एन अल्फा, और ये कितना हो जाएगा 1+अल्फा × (n-1), और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ आपके पास 2, तो ये हो गया 1, तो (α)(n-1), ओके, तो यहाँ से अल्फा कितना दिया हुआ है ना (α)(n-1), ओके, और जैसे कि सिंपल से निकल i=2 आ रहा, मतलब इसको इतना लॉजिक भी मत लगाओ, i=2 आ रहा है ना, देखो i=2 आ रहा है, ओके, अगर i=2 आ रहा मतलब आपके पास क्या आ रहा है, 2 आयन्स टोटल आ रहे होंगे ना, आई ये जो आइडेंटिफाई करता है, दो आयन्स आपके पास आ रहे होंगे ना, तो 2 आयन्स आ रहे होंगे, जैसे कि आपके पास सिंपल से देखो, इधर देखो कि आपके पास ये होता है ना कि कोई कंपाउंड है ए बी है, तो ये क्या हो गया a+b- होता है, तो ये होता है 1-अल्फा अल्फा अल्फा, अभी 100% डिसोसिएट आई कितना आता है इसका,
आई आपके पास होता है 1 प्लस अल्फा, अल्फा इक्वल टू 1 है तो आपके पास कितना आ गया 2 आ गया। मतलब इसके भी देखो जब इसका एक मोल होता है ना, आई इक्वल टू 2 आ रहा है उसका मतलब क्या होगा, एक मोल में कितने आ रहे हैं 2 आयन्स, अगर इसके 3 लूंगा तो कितना आएगा 6, तो समझ में आ गया तो आंसर कितना आना चाहिए 6। क्लियर है ना, समझ में आ गया डायरेक्ट करे तो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इतने मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एच ए इतना दिया हुआ है ना, ओके द पीके वैल्यू ऑफ एच ए कितना होगा, कि पीके वैल्यू ऑफ एच ए कितना होगा डिप्रेशन। देखो सिंपल सी बात है, इसको कैसे करोगे ना बच्चों, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो कि एच प्लस और ए माइनस, ओके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग इतने मोलल सॉल्यूशन ऑफ एच ए इज दिस, पीके वैल्यू ऑफ एच ए कितना होगा। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो आपके पास क्या दिया, डेल टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, और आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, और ये दिया हुआ आपके पास डिफरेंस 0.01924 डिवाइडेड बाई के एफ 1.85 इंटू 0.01 इक्वल टू आई, है ना। तो ये आई का वैल्यू यहाँ से आ गया, और ये वैल्यू कितना आएगा आपके पास पीके वैल्यू ऑफ एसिड, तो पीके क्या लिखोगे, के का वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ से के लिखोगे आप एच प्लस और ए माइनस, और ये कितना हो गया कंसंट्रेशन ऑफ एच ए, ओके ठीक है। है ना, तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, है ना, आई वन वन माइनस अल्फा, वन प्लस अल्फा का वैल्यू निकालो, अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, देखो करो क्या आएगा आंसर, ठीक है। इतनी हिंट मैंने दे दी है, अब थोड़ा सा खुद से भी ट्राई कर लो यार। बच्चों आई का वैल्यू कितना आया यहां से आपके पास 1.04, ओके 1.04 ठीक है, और इसको 1 माइनस अल्फा 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 और इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पे 1 प्लस अल्फा, और अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है 0.04, ओके ठीक है। अब ये है जैसे कि अब इसकी बात करते, इक्विलिब्रियम में करते थे अपने पास एच ए प्लस ए माइनस, तो सी माइनस सी अल्फा या सी अल्फा और सी अल्फा, और क्या हो गया वीक एसिड है, वीक एसिड है तो आप क्या लिखते थे सी अल्फा का होल स्क्वायर, तो C इंटू वन माइनस एल्फा इक्वल टू आप क्या लिख देते K, तो यहाँ से क्या आ गया C से C, तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस एल्फा, और वीक एसिड के लिए क्या लिखते थे C अल्फा स्क्वायर वन माइनस एल्फा इक्वल टू अल्फा होता था ना, बोलो C अल्फा स्क्वायर, तो C अल्फा स्क्वायर का वैल्यू तो K ही तो निकालना है, तो K का वैल्यू कितना पी के निकालना है, तो C का वैल्यू कितना आपके पास मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी ऑलमोस्ट है यहाँ पे, तो 10 की पावर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो ये आपके पास कितना 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये हो गया के, और पी के कितना हो गया, पी के आपके पास हो गया 4 माइनस लॉग 4, 4 माइनस लॉग 4, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 2 लॉग 2, और ये कितना हो गया 0.3010, ओके 0.3010, तो ये कितना हो गया, ये आपके पास हो गया दैट इज 4 माइनस 0.60, ओके तो ये कितना होगा 3.68 है ना, 3. कितना हो गया, सॉरी 3.28 या 3.38 समथिंग, ओके ठीक है बच्चों 3. अपने गलत निकाला गया आंसर, जैसे कि log 2 कितना हो गया यहां पे, कितना बोला गया 0.3, तो 0.6, 4 माइनस 0.6 तो 4 माइनस 0.6 तो कितना आ गया 3. आया ना, तो आंसर कितना आ रहा है 4.80 कैसे आ रहा है, कुछ गलती की, देखो यहाँ पे देखो कुछ ठीक है 0.01924 1.85 डिवाइडेड बाय 0.01, ओके ठीक है 1.04, तो आपके पास कितना आ गया अल्फा का वैल्यू इतना आ गया, तो सी अल्फा स्क्वायर, अच्छा सी अल्फा स्क्वायर, तो अपन ने अरे यार अपन ने अल्फा का स्क्वायर किया ही नहीं है ना, क्योंकि कितना आ गया इसका स्क्वायर तो किया ही नहीं, करना भूल गए है ना, तो ये कितना हो गया 10 की पावर माइनस 4 16 हो गया ना, ओके 16 ठीक है 16,
तो 4 माइनस लॉग 16 है, मतलब 4 का स्क्वायर, मतलब 2 की पावर 4, तो माइनस 4 लॉग 2, माइनस 4 लॉग 2, कुछ गलत किया क्या अपन ने? प्लस आएगा, सॉरी प्लस आएगा ना यार। ओके, 4 प्लस लॉग 2, 4 प्लस लॉग 2 कितना आ रहा है? तो 4 प्लस 4 लॉग 2 आ रहा है ना, 4 लॉग 2 मतलब आपके पास ये कितना आ गया, 0.3। तो 0.3 मतलब 5 पॉइंट, फिर भी अपना ज़्यादा आ रहा है आंसर। यहाँ पे आंसर कितना दिया हुआ, 4.80। कुछ क्या गलती कर रहे हैं, 4 log 2। देखो यार एक बार ना कैलकुलेशन को एक बार देखो अच्छे से, ये आ गया आपके पास 4 alpha square। सी का वैल्यू कितना हो गया, सी अल्फा का वैल्यू आपके पास कितना था, आपके पास था 4 × 10⁻²। ये आपके पास आ गया 16, 16 × 10⁻⁶, 16 × 10⁻⁶। ओके, और इसको माइनस लॉग के करेंगे, माइनस लॉग के करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस लॉग 16 × 10⁻⁶। तो यहाँ से आएगा आपके पास 6 − log 16, log 16 2 की पावर 4, तो 4 log 2, तो 4 log 2 आएगा, तो ये कितना आ गया, तो 6 − log 2 कितना हो गया, 0.3, तो 1.2, तो 4.8। हाँ सही है, ओके 4.8, क्लियर। ठीक है बच्चों, है ना, तो जल्दबाजी में कुछ किया मत करो ना, गलती हो जाती है। हाँ अब ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड ए आपको 10 torr एंड एट द सेम टेम्परेचर व्हेन 9 ग्राम ऑफ बी सॉलिड डिजोल्ड इन 20 ग्राम ऑफ ए, इट्स वेपर प्रेशर इज रिड्यूस टू 5 torr। तो बेसिकली क्या हो गया, व्हेन वी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट अगर डालते हैं तो क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इफ द मोलिकुलर मास ऑफ ए आपको इतना दिया हुआ, देन द मोलिकुलर मास ऑफ बी क्या होगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्वेश्चन से है ना, आंसर सही आना चाहिए। कैसे करोगे बच्चों, इसको करोगे ना, रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला क्या होता था, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ सोल्यूट। ओके, एक्स ऑफ सोल्यूट, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इतना दिया हुआ है, अच्छा एट द सेम टेम्परेचर व्हेन 9 ग्राम डिजोल्ड इन 20 ग्राम, द वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 5 torr। ओके, तो मतलब 10 − 5 और बाई 5 इक्वल टू कितना, ये आपके पास आ गया एक्स ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, 5। ओके सॉरी 1 आ गया ना, एक्स ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, क्लियर है, तो यार लगाओ एक्स ऑफ सोल्यूट, मतलब आपके पास क्या निकालना, मोलिकुलर मास ऑफ बी निकालना है, प्योर लिक्विड ए इतना दिया हुआ है, और तो ये सिंपल से निकालो कि 10 by 10 torr बाई इसका कितना दिया हुआ, 200, और 10 by 10 by 200 प्लस इसका वेट कितना दिया हुआ है, 9 ग्राम, 9 ग्राम, अच्छा सॉरी डिजोल्ड इन 20, सॉरी ये 20 है। ओके, और ये कितना हो गया, 9 ग्राम ऑफ बी, तो 9 by mb आपके पास हो जाएगा, और ये कितना है, 1, तो ये सिंपल से यहाँ से निकालो, तो ये कितना हो गया, 1 by 10, 1 by 10 इक्वल टू, और ये भी कितना हो गया, 20, तो 1 by 10 प्लस 9 by mb। क्या अपने कुछ गलती की है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज प्योर लिक्विड ए 10 था एट द सेम टेम्परेचर 9 ग्राम डिजोल्ड, द वेपर प्रेशर इज रिड्यूस टू 5 torr। ओके, तो 10 − 5, अच्छा अरे ये क्या गलती कर दी, 10 − 5 / 10, तो 5, तो 1/2। ओके, तो ये भी कितना आएगा, 1/2, तो ये हो गया 2/10, 2/10 हो गया, तो ये कितना हो गया,
वन बाई टेन इक्वल टू नाइन बाई एम बी, तो एम बी कितना हो गया 90। क्लियर, ठीक है बच्चों, चलो यहां तक। यहां पे बताना है कि K2HgI4 इज 55% आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में 50 आयनाइज्ड हो गए। द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, तो वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कितना होगा, अब ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, जल्दी से आंसर आना चाहिए। सही आंसर लाओ, देखो सिंपल सी बात है, आंसर सही आना चाहिए। जैसे K2HgI4, K2HgI4 डिसोसिएट होगा 2K प्लस प्लस HgI4 माइनस, है ना, तो माइनस टू, ओके। तो जैसे यार ये देखो 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा और अल्फा, तो आई का वैल्यू कितना आया 1 प्लस 2 अल्फा, और 55% आया 1 प्लस 2 इंटू 0.55, तो 1.1, तो 2.1, ओके क्लियर है। आंसर विल बी, इतनी फास्ट होकर आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, देखो ना। ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि 3 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट A2B3 इज 50% आयनाइज, है ना, 50% आयनाइज, अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 0.50। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एट 1 एटमॉस्फेयर, तो बॉइलिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेयर पे कितना होगा, बताओ बच्चों। डेल टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, सिंपल सा फॉर्मूला है। और इसको मैं सॉल्व नहीं करने वाला बच्चों, ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, वीडियो को पॉज करो और आपका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है, देखो कितना आएगा आंसर, करोगे कैसे, वही सेम वही एज यूजुअल वही लॉजिक लगाओगे, A2B3 गिव्स 2A प्लस या A प्लस 3 प्लस 3B माइनस 2, ये लगाओगे तो 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा ये 3 अल्फा, तो आई का वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस 4 अल्फा, आई का वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस 4 अल्फा, क्लियर है, और अल्फा कितना 50% आयनाइज्ड, 50% दिया हुआ है, तो कितना हो गया अल्फा का वैल्यू आ गया 3, आई का वैल्यू आ गया 3, क्लियर, अब लगा दोगे फॉर्मूला, अब लगा दोगे फॉर्मूला, क्या लगाओगे, डेल टी बी इक्वल टू आई कितना हुआ है के बी कितना दिया हुआ है 0.52, मोलरिटी कितनी दी हुई है सॉल्यूशन की 3 मोलर, ओके, अच्छा डेल टी बी, और डेल टी बी क्या होगा टी बी एस माइनस टी बी नोट, 1 एटमॉस्फेयर पे प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये आंसर जो भी आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आएगा, और उसको 273 ऐड कर देना, तो किस में आ जाएगा आंसर, केल्विन, केल्विन, ओके, बेसिकली यूनिट आपको दिया हो ना किलो जूल, है ना, तो वही केल्विन किलो जूल मोल इनवर्स, तो आप यहां पे 100 मत लिखो, तो ये 273 लिख दो डायरेक्ट, ओके 373, ओके बच्चों, आंसर है ना, आंसर आ रहा है बी, आ रहा है इसका आंसर बी, बी बी फॉर बॉम्बे। हाँ ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया भाई कंसेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर विच इज आइसोटोनिक विद ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया पर लीटर, उसके साथ क्या है केन शुगर का जो सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन किसके साथ आइसोटोनिक है यूरिया, और यूरिया का आई कितना होता है 1, दोनों में आई 1 है ना, सॉलिड है, बताओ भाई आंसर क्या होगा, तो ये देखो यार, चलो सोल्व करो, तुम भी तो कुछ करो सोल्व, ओके देखो,
पाई ऑफ शुगर, पाई इक्वल टू सी ऑफ शुगर इंटू आर इंटू टी, तो इसका इसका मैं बोलता हूँ आर इंटू टी इक्वल टू सी टू इंटू आर इंटू टू। टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम दिया हुआ है और कंसेंट्रेशन देखना ग्राम पर लीटर में बोला गया है, तो आपको है ना, तो कितना आएगा यहाँ से? तो देखो यार सी वन का वैल्यू कितना आएगा, सी वन का वैल्यू आना चाहिए सी टू के इक्वल, 6 ग्राम ऑफ यूरिया पर लीटर, 6 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया कितना हो गया 60 और पर लीटर दिया हुआ, तो वो आपके पास है ना ये 1 दिया हुआ है, तो ये 1/10, तो ये कितना आ रहा है मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, तो ग्राम पर लीटर में आपको निकालना है, ग्राम पर लीटर में इसको निकालोगे तो इसका वैल्यू किससे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, 342 दैट इज इक्वल टू 34.2। ओके क्लियर? हाँ ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव मैक्सिमम वेपर प्रेशर, कौन सा किसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा? क्या रहा बच्चों आंसर? अब देखो मोलल है ना, मोलल दिया हुआ और एक मोलर दिया हुआ, अगर सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूट लेते हैं तो कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होता है, कंसंट्रेशन आपके पास ज्यादा होगा मोलर का, ज्यादा होगा कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसलिए वेपर प्रेशर किसका, मोलल वाले का ज्यादा होगा। अब ये एक मोलल NaCl है और ये एक मोलल H2SO4 है, ये कितने आयंस दे रहा है, 2 आयंस दे रहा है, ये कितने आयंस दे रहा है, 3 आयंस दे रहा है, तो किसका ज्यादा आएगा इसका, तो आंसर विल बी ए। ओके ठीक है, थ्योरी बेस्ड टाइप क्वेश्चन, मतलब जनरल क्वेश्चन था। हाँ अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ सुक्रोज इतना दिया हुआ, दैट शुड बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन विद ए डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट एंड ए फ्रीजिंग पॉइंट। अरे बच्चों ये क्वेश्चंस पहले कर चुके, सिमिलर है ना ये क्वेश्चंस तो अपन कर चुके हैं, तो ये भी यहाँ पे ये क्वेश्चंस है कि वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इतना दिया हो आपको है ना, इतने किलो पास्कल है ना, बट इट फॉल्स टू इतने, व्हेन 9 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिजोल्व इन दिस, द मोलर मास ऑफ द नॉन वोलाटाइल कंपाउंड कितना होगा, जो नॉन वोलाटाइल है उसका मोलर मास कितना होगा, तो वही हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके देखो क्या आएगा, वही है बच्चों वही फॉर्मूला लगाना है कि भाई पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ सोल्यूट। ओके सॉल्यूशन का इतना दिया हो किलो पास्कल, इट फॉल्स टू इतना, व्हेन तो अब देखो किलो पास्कल दिया हो सॉल्यूशन का, तो 51, 53.3 और माइनस 51.5 डिवाइडेड बाय ये कितना दिया हुआ, 53.3 इंटू एक्स ऑफ सोल्यूट, ये कितना गया निकालो एक्स ऑफ सोल्यूट, और यहां पे देखो एक्स ऑफ सोल्यूट क्या निकालोगे, आपके पास एक्स ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, एक्स ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है, सॉल्यूट तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज दिस, तो मैं बोलता हूँ कि कितना ग्राम बोला गया, 19/m और एक डिवाइडेड बाय 19/m प्लस
और बेंजीन 78, ठीक है। एम का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ठीक है बच्चों, आंसर से आना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर आप है ना अप्रोक्सीमेशन भी यूज कर सकते हो ना, कि ये नहीं यूज कर सकते आप, ये ना सीधा सा अप्रोक्सीमेशन ये यूज कर सकते हो, जैसे कि एन ऑफ सोल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू एन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो क्योंकि 500 ग्राम है, ये 19 ग्राम है, तो अप्रोक्सीमेटली नेगलेक्ट कर सकते हैं ना, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा बच्चों बी विल बी द राइट आंसर, है ना। तो बस आपको क्या करना, पूरा सोल्व करो इस क्वेश्चन को, है ना। तो जैसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार आप सोल्व नहीं कर पाते, बढ़ना नहीं, आपको कंप्लीट सोल्व करना है, वीडियो को पॉज करके फिर आप आगे बढ़ो। ओके हाँ ना। देखो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए लिक्विड विद लोअर वेपर प्रेशर विल हैव ए लोअर सरफेस टेंशन एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। ए लिक्विड विद, चलो आप ना पढ़ो एक बार खुद से और एक बार सोल्व करो, देखो क्या होगा, है ना। देखो आंसर निकालो फिर अपन डिस्कस करते हैं। बच्चों आंसर इसका आएगा, इसका आंसर आएगा सी। कैसे, है ना, जैसे कि बात करते हैं ए लिक्विड विद लो वेपर प्रेशर, अगर किसी का लो वेपर प्रेशर है, लो वेपर प्रेशर है ना, तो लो वेपर प्रेशर उसका मतलब क्या हो गया, वो क्या हो गया, लेस वोलेटाइल, मतलब लेस वोलेटाइल, कम वोलेटाइल है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका ज्यादा, तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको वेपराइज करने के लिए, है ना। ए लिक्विड विद लो वेपर प्रेशर विल हैव हाई सरफेस टेंशन, है ना। लो वेपर प्रेशर मतलब क्या हो गया, लेस वोलेटाइल हो गया, लेस वोलेटाइल हो गया तो, है ना, लेस वोलेटाइल तो उसका सरफेस सरफेस टेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा। सरफेस मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल टाइटली होल्ड करके रखेंगे ना, एंड द हाई बॉइलिंग पॉइंट, समझ में आएगा सरफेस टेंशन का। ओके ठीक है बच्चों, देखो एक बार इसको। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, इसमें है कि व्हेन 10.6 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज डिजोल्व्ड इन 750 ग्राम ऑफ इथर, में उसको डिजोल्व कर दिया गया है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज रेज ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना रेज हो गया है, द मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा। अब पहले डिप्रेशन था, अब एलिवेशन है, लगाओ क्वेश्चन सेम। है ना, मतलब आपको दिया हुआ है कि डेल टी बी नॉन वोलेटाइल दिया हो ना, तो आई कितना होगा वन, तो डेल टी बी इंटू के बी इंटू एम और 0.266 के बी इंटू एम, और के बी का एम का वैल्यू कितना हो गया 0.266 और के बी मोलल बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट फॉर इथर इज टू। ओके मोलिलिटी आ गया आपके पास, ठीक है। अब निकालना आपको पास ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज डिजोल्ड इन, तो ये आगे बार 10.6 डिवाइडेड बाय एम और 1000/750 इक्वल टू 0.266/2, तो ये कितना आ गया आपके पास 30। ये आ गया आपके पास 10.6 × 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.266 इतना हो गया। ओके इसमें आंसर आएगा बच्चों, इसमें आंसर आएगा 106, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अब है ना आपको पहले दिया हुआ भाई 0.1 मोलल NaCl एंड 0.5 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब क्या हो गया, एट सेम प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन, मान लेना टेम्परेचर सेम है, तो ये आपको टेम्परेचर सेम मानना है, तो बेसिकली क्या होगा, पाई इक्वल टू क्या होता है आई इंटू सी इंटू आर टी। ओके टेम्परेचर सेम मान लो, तो यहां से किसके प्रोपोर्शनल आएगा, आई इंटू सी, मोलर मोलर सेम है, यहां पर आई का वैल्यू कितना आ गया, आई का वैल्यू 2, यहां पे 1, तो ये नहीं है,
मोल यानी ग्लूकोज सॉल्यूशन आइसोटोनिक, आइसोटोनिक है तो ये कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, ये भी नहीं है, गलत है। ओके, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन इज लेस देन 0.1 मोलल एक्वस केसीएल सॉल्यूशन। अब देखो यार, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको बोला गया, तो डेल टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। तो जैसे पहले वाले की मैं बात कर लेता हूं, पहले वाले की बात कर लेते हैं, यूरिया सॉल्यूशन, तो ये हो गया 0.1 है ना, के बी तो समय रख लेते हैं सेम ही है। और दूसरे वाले की बात कर लेता हूँ, दूसरे वाले केस की बात कर लेता हूँ, तो ये आ गया आपके पास 2, तो 2 इंटू 0.2 के बी, 0.2 इंटू के बी, तो ये कितना हो गया आपके पास, किसका आएगा, तो ये आ गया टी बी एस आ गया 100 प्लस 0.1, और ये कितना हो गया 100 प्लस 0.2 के बी। तो कितना कौन सा हो गया, इज लेस देन, हाँ ये सही है, तो ये वाला द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन इज लेस देन 0.1 मोलल। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, इतना फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, तो सेम ये है ना, के एफ इंटू एम लगेगा, तो लेकिन डेल टी एफ क्या होता है, डेल टी एफ आपके पास हो गया टी नॉट एफ माइनस टी एफ ऑफ सॉल्यूशन, और ये आपके पास कितना हो गया, तो ये कितना हो गया 0, तो आंसर क्या आएगा, ये आपके पास आएगा टी एफ ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू, पहले वाले की मैं बात करता हूँ, तो पहले वाले का आएगा माइनस 0.2 के, पहले वाले का आएगा माइनस 0.1 के बी, और दूसरे वाले का क्या आएगा माइनस 0.2 के बी। ओके, तो है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, है ना, दोनों में फर्क है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि फ्रीज यहाँ से निकालोगे ये वैल्यू तो क्या होगी, 0 होती है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा ना, ये ध्यान रखना, वहां पे अलग था। ओके, क्लियर है, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों देख पढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ के एच चेंजेस विद द नेचर ऑफ द गैस। हाँ, के एच है ना हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट है ना, के तो हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट क्या होता था कि सोलिबिलिटी की प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सोलिबिलिटी आपके पास बढ़ेगी। तो अगर तो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, ओके, तो यहां से आपके आ रहा है पार्शियल प्रेशर इक्वल टू के एच इंटू एक्स। ओके, तो यहां से है ना, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक्स क्या सोल्युबिलिटी आपके पास बढ़ेगी। तो वैल्यू ऑफ के एच चेंजेस विद द नेचर ऑफ द गैस है ना, सही है। हायर द वैल्यू ऑफ के एच एट ए गिवन प्रेशर, हायर द वैल्यू ऑफ के एच हायर इज द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो आपके पास यहां से क्या आ रहा है, सोल्युबिलिटी को मैंने एक्स से तो इनवर्स के एच, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये भी सही है। डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट के एच वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर, क्योंकि ये किस पे नेचर ऑफ द गैस डिपेंड करता है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, बी। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में बच्चों द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलल एक्वस सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर, की फ्रीजिंग पॉइंट किसका हाईएस्ट होगा। तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कि डेल टी बी फ्रीजिंग पॉइंट है ना, डेल टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, इक्विमोलल आपको दिया हुआ है, तो यहां से आपके पास क्या आ रहा है, डेल टी एफ क्या हो गया टी नोट एफ माइनस टी एफ ऑफ सोल्यूशन, और डायरेक्ट इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, के एफ और एम सेम है। ओके, यहां से आपको पूछा गया, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहां से आएगा आपके पास टी एफ ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू माइनस आई इंटू के एफ इंटू एम, और यहां से क्या आ रहा है, मतलब के एफ इंटू एम सेम है, तो इसके लिए कितना होगा आपके पास NH3Cl है ना, तो दो आइंस इसमें आएंगे। ओके, तो दो आइंस यहाँ पे आई का वैल्यू 2 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आई का वैल्यू कितना आएगा, आई का वैल्यू आई विल बी 3। ओके, अब डायरेक्ट आई का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ पे आई का वैल्यू कितना आएगा, आई वैल्यू विल बी 4। ओके, 4 आइंस आएंगे सॉल्यूशन में। तो आपको बताना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर इक्वेशन विल बी हाईएस्ट फॉर, किसके लिए हाईएस्ट होगा, जिसमें माइनस आई है ना, तो पहले वाले के लिए कितना आएगा, फर्स्ट के लिए माइनस 2 है ना, माइनस 2 इंटू के एफ इंटू एम, बी के लिए आपके पास आएगा माइनस 3 के एफ इंटू एम, और सी के लिए आएगा माइनस 4 इंटू के एफ इंटू एम, और लास्ट वाले क्या आएगा माइनस के एफ इंटू एम। तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, डी, आंसर विल बी डी। ओके, अब यहां पे मत कर लेना कि बस ये टर्म्स पढ़ना कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो आपके पास क्या पूछा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको यहां पे पूछा जा रहा है।
ओके क्लियर है, देखो एक बार। जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 848 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CH2 इतना दिया हुआ है ना, प्योर CH2 का दिया हुआ है। ए सॉल्यूशन ऑफ 2 ग्राम ऑफ सल्फर इन 100 ग्राम ऑफ CH2 हैज वेपर प्रेशर इतना, है ना। वेपर प्रेशर क्या हो गया, सॉल्यूशन का कम हो गया। डिटरमाइन द एटोमिसिटी ऑफ सल्फर इन द मोलिक्यूल, तो सल्फर की एटोमिसिटी आपको डिटरमाइन करनी है। अब देखो सिंपल सी बात है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर P0 ऑफ CH2 कितना दिया हुआ है, CH2 आपको दिया हुआ है, P नॉट ऑफ CH2 दिया हुआ 854। ओके, ए सॉल्यूशन ऑफ 2 ग्राम ऑफ सल्फर इन 100 ग्राम ऑफ CH2, है ना। तो आपके मैं बोल देता हूँ ये मॉलिक्यूल कौन सा हो गया, SX, उसकी एटोमिसिटी X बोल देते हैं। ओके X बोल दिया, और उसका वेट कितना दिया हुआ है 2 ग्राम सल्फर इन 100 ग्राम, 100 ग्राम ऑफ CH2, है ना, 100 ग्राम ऑफ CH2 में आपको मिक्स कर दिया गया वेपर प्रेशर। और उसका क्या हो गया, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, P ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ गया है यहाँ पे 899 टोर। ओके, तो आपको बताना है कि एटोमिसिटी ऑफ सल्फर, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे आप 2 ग्राम ऑफ सल्फर 100 ग्राम, तो आप लगाओगे एल, है ना, डिप्रेशन इन ये वाला P नॉट माइनस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और आप यहां से क्या लगाओ, एन ऑफ सोल्यूट, मैं बोलता हूँ एन ऑफ सोल्यूट, और ये एन ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट, एन ऑफ इसको बोल देता हूँ सोलवेंट, है ना। क्यों, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कितना परसेंट है, 2% ही तो है, कितना मिक्स किया आपने, 2 ग्राम ही तो मिक्स किया है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि एन ऑफ सोल्यूट प्लस एन ऑफ सोलवेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एन ऑफ सोलवेंट। ओके, एन ऑफ सोलवेंट, क्लियर है, समझ में आया। और ये कितना होगा, पी नोट आपके पास प्योर कितना दिया होता, 850 दिया होता आपके पास, 850 माइनस कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन का, कितना हो गया 8499, है ना, 44.9 माइनस पी नोट कितना है, पी नोट आपके पास था 850। ओके, यहां से कर सकते हो एन ऑफ सॉल्वेंट आप निकालोगे, क्लियर है। तो यहां से आपके पास कितना आ रहा है 0.1, तो ये 0.01, यहां से 850 माइनस, अच्छा सॉरी, तो यह आएगा 5.1। ओके, 5.1, 844.9, ओके, तो 5.1 डिवाइडेड बाय 850, और यहां पे कितना वेट कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन 2 ग्राम ऑफ सल्फर, तो 2 बाय, अब एटोमिसिटी में एक्स बोल तो मोलर मास कितना हो जाएगा 32x, और वेट बाय मोलर मास, सॉल्वेंट का मोलर मास कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 32, और है ना इसका मोलर मास दैट इज 32 प्लस 12 दैट इज 44, 44 बाय आपके पास ये हो गया 100। ये आपके पास आ गया, यहाँ से एक्स फाइंड आउट कर सकते हो, निकालो एक्स का क्या वैल्यू आ रहा है ना, लोअरिंग इन वेपर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाना है बस, ये यहाँ पे नेगलेक्शन यूज कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि जब आप डायल्यूट सॉल्यूशन होता है, डायल्यूट सॉल्यूशन होता है तो उसमें क्या होगा, एन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू एन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, देखो है ना, यहाँ पे आंसर आएगा आपके पास डी, डी है ना, 8 आएगी एटोमिसिटी सल्फर की, है ना, मोस्ट सल्फर एक H2 होता है, H4 होता है, H8, एसेट वाला जो होता है ना, वही ना, रोम्बिक सल्फर। अभी ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया द वेट ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस सेम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एज 1 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर इज, कितना है ना आपको बताना है। देखो बच्चों, करो क्वेश्चन को सोल्व करो आप, ना वीडियो को पॉज करके सोल्व करने की कोशिश किया करो। बोला गया ना वेट ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 100 ग्राम, तो मैं बोल देता हूँ कि वेट ऑफ ग्लूकोज कितना, डब्ल्यू इन 100 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस सेम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो बेसिकली क्या हो गया, लोअरिंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता था, पी नोट माइनस पी एस, है ना, पी नोट माइनस पी एस, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर प्रोड्यूस सेम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज
50 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन, है ना, तो देखो तो यहाँ पे पीनोट माइनस पी एच एक्स ऑफ सोल्यूट, तो रिलेटिव आपके बोला गया, तो वेट ऑफ ग्लूकोज कितना होगा, एक्स ऑफ सोल्यूट आप यहाँ से निकालो, यहाँ पे अगर ग्लूकोज है तो डब्ल्यू बाई 160 है ना, ग्लूकोज होता है ना 66H12O6, तो 180 होगा। ओके निकाल लो एक बार, ये कितना होगा 12 72 12 96, है ना, तो ये 180। ओके तो यहाँ पे डिजोल्ड 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 बाई 18 प्लस, और ये कितना हो गया आपके पास W बाई 180 इक्वल टू, और आपको क्या बोला गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 1 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्ड इन 50 ग्राम। अब 1 ग्राम यूरिया, यूरिया कितना हो गया 1 बाई 60 डिवाइडेड बाई 1 बाई 60 प्लस 50 बाई 18, यही तो है, निकाल सकते हो W का वैल्यू। कह देखो आंसर क्या आएगा, कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, यहां से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो देखो, यहां से आप कैलकुलेट करते हो तो आप यहां से आएगा, कर लेना चलो ना, आंसर विल बी कितना आएगा 6। ओके okay?